सभी जानते हैं कि COVID-19 जैसे डेडली डिसीज से हमारा पूरा देश इस टाइम लड़ रहा है, पूरा देश सफर कर रहा है। कितने लाखों में हम देख रहे हैं कि डेली लोगों कोई की डेथ भी होती जा रही है, और इस टाइम पूरी इकोनॉमी हिल चुकी है वर्ल्ड की। अमेरिका जो इतना सुपर पावरफुल कंट्री है वो हिल चुकी है, तो आप सोच ही सकते हैं हमारे इंडिया की इस टाइम क्या हालत होगी। जी हाँ, बहुत क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है हमारा इंडिया। यहाँ पे लोगों को खाने का सामान नहीं मिल पा रहा क्योंकि लोगों के पास काम का कोई साधन नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या फेस हमारा इंडिया है जो इस टाइम कंडीशंस को फेस करना पड़ रहा है हमारे इंडिया को। लेकिन आज कुछ वेलफेयर सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आगे आकर निरंतर लोगों की सहायता कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं, घर घर तक उनको खाना पहुंचा रही हैं। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के चंडीगढ़ रोड एरिया के एक वार्ड में, जहां पे हम आपको मिलवाएंगे वेलफेयर सोसाइटी के एक मेंबर से जो दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंचा रहे हैं, मिस्टर हरदीप सिंह मुंडिया जी से। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी टीम के साथ कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं और वो क्या किस किस एरिया में लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। सत श्री अकाल जी। हमने सुना है जब से ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है तब से आप लोगों की हेल्प के लिए आगे आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असी उस सतगुरु की दया मेहर सदका असी पहले दिन तो ही पुलिस प्रशासन, मीडिया और लोड़वंद जो बेचारे दिहाड़ीदार या प्रवासी भाईचारा वो सारिया छुक्का ते बना के राशन घर घर पहुँचा रहे हैं जी। और जिन्ना भी हो सकता जिन्हों जितों भी फोन आ जाता, साढ़े हल्का इंचार्ज बीबी सतविंदर कौर बिट्टी जी, वो भी उन्होंने लोग फोन करते भी असी भुखे हैं या साढ़े महल चन्ने बंदे भुखे आ, उन्होंने खाना पहुँचा दीदा। SHO साहब जमालपुर, SHO फोकल पॉइंट, DSP साहब, ACP साहब, SP साहब सानू दस देंगे भी इन्ने बंद उत्थे भेजो, और जहाँ भी मोहतवार बंदे जो महल के प्रधान सानू कहते इन्ने बंद का खाना चाहिए, असी दोपहर का रात का उन्होंने उत्थे पहुँचाने जी। पुलिस प्रशासन तो मीडिया ये सारा सवेर तो ही ब्रेकफास्ट तो लैके रात के डिनर तक टोटल 3 टाइम की सेवा चल रही है जी। जी समय बताइए, जो हमारे पुलिस मैन है जो ड्यूटीज दे रहे हैं पूरे लुधियाना में, तो उन तक आपके थ्रू लंगर पहुंचाया जा रहा है? पूरे लुधियाना में नहीं जी, हमारे एरिया में, ये हल्का साने हल्के जो मान लो थाना जमालपुर और थाना फोकल पॉइंट के जो मुलाजम हैं इनको खाना पहुँचा रहे हैं, जैसे मुंडिया चौंकी, जीवन नगर चौंकी, इस एरिया में जा रहा है। और एक मैं दिल से मीडिया के जरिए इन पुलिस मुलाजमों का और मीडिया भाईचारे का और प्रशासन का दिल से इनका सारी उम्र के लिए धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने देखो पूरा सबके परिवार हैं, परिवार में निकल कर भी ये कोरोना की सेवा में लगे हैं, लोगों की सेवा में लगे हैं कि कोरोना से बच सकें, खास करके मीडिया और पुलिस मुलाजम जो दिन रात एक करके लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। समय बताइए, हमने सुना है बिना किसी हेल्प के आपकी एक पूरी जो टीम है वो आगे आके लोगों की हेल्प कर रही है, तो एक चीज हमें बताइए कि कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और कितने लोगों का डेली बेसिस पे खाना बनता है, क्योंकि आप दिन में भी लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं और रात को भी खाना पहुंचाया जा रहा है आपकी तरफ से? साढ़े भैन जी मैडम जी, एक दोपहरे 600 बंदे दोपहरे खाना बनता जिहड़ा असीं लोगों को पहुंचा रहे हैं, गरीब लोगों को जिहड़ा इत्थे टोटल होटल जो सैवनदीप चल रहा खाना ये तो असी सवेर तो लैके रात तक चलता ही है, जिहड़ा असी घर घर पहुँचा रहे हैं वो लंच दोपहरे 600 बंदे का, तो रात का खाना 700-800 बंदे का कई बार हो जाता, वो असी घर घर पहुँचा रहे हैं जी। एक चीज, खाना बना हुआ तो अब लंगर जो बना रहे हैं वो तो पहुंच ही रहा है, एक सूखे राशन में आपकी तरफ से क्या कोई किट तैयार की गई है? सूखे राशन में जी असी आटा और आलू दे रहे हैं, 3-4 किलो आटा और 1.5 किलो आलू, ज़्यादा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी सच्चाई है वही बताऊँगा, आपके सामने पड़ा आटा भी आलू भी ये पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये सारा अपने परिवार की तरफ से हो रहा है। हाँ, मेरे सहयोग में मेरे जो टीम हरदीप मुंडिया मेरे साथी हैं वो सारे सुबह से लेके 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मेरे साथ सेवा करते हैं। कब तक ये, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड तो अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिशियल टाइम चल रहा है हमारे इंडिया के लिए और कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस भी सामने आते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो आपकी तरफ से कब तक ये लोगों की हेल्प के लिए आप आगे आते रहेंगे? ये बाबा जी की दया में थे, जब तक बाबा जी करवाएंगे कर रहे हैं, पूरी दिल से लगे हैं। तो एक तो मैं एक और भी कहना चाहता हूँ कि ये जो सीखा है ये राज स्वामी सत्संग ब्यास की संस्था से सीखा है, जो वो दिन रात एक कर रहे हैं सेवा के लिए, टोटल लुधियाना में 10 सेंटरों में ही 20-20 हज़ार का खाना बन रहा है, पैक होके जा रहा है, और हम तो थोड़ा सा उसमें कुछ भी नहीं है, कनका है,
फिर भी बाबा जी की दया मेहर से जितना हो सकेगा जब तक कर्फ्यू ये लगा रहेगा लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। एक चीज हम जाते जाते ये पूछना चाहेंगे कि टीवी में भी आप देखते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखने की बात कही जाती है, तो आपके साथ जो इतनी टीम जुड़ी हुई है या घर घर तक आप लोगों के जाते हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए आप कैसे रहते हैं? मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइजर करके रखते हैं, ग्लव्स पा के रखते हैं और पूरी टीम को दिए हुए हैं ग्लव्स मास्क और साथ में मास्क और ग्लव्स साथ में भी लेके जाते हैं, जिनके पास नहीं होता उनको भी बांटते हैं, वो बांटने भी सेवा साथ में करते हैं। और टोटल वार्ड अपना वार्ड 26 नंबर और 27 नंबर 28 नंबर में भी हमने सैनिटाइजर खुद पंप से था अपने लड़कों के साथ टीम्स के साथ सैनिटाइजर किया। अभी तक तो नहीं जी, एक पिछले दिन ही वार्ड नंबर 28 में मैडम सतविंदर कौर बिट्टी जी और SDM साहब आए सी, उन्होंने असी जाके राशन वंडिया सी, उस तो बाद मेरे वार्ड च जां मेरे वास्ते कोई हेल्प नहीं है जी। और कल मैडम सतविंदर कौर बिट्टी जी ने कल गल हुई सी, वो कहिंदे वीरे मैं जल्दी अब तुहाडे वास्ते अपने तुहाडे वार्ड दे लोकां वास्ते मैं जल्दी राशन भिजवावांगी। जैसे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आगे आके अपने स्टेप उठाया, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं आप, जिनके पास एक वक्त की रोटी के लिए भी कोई इस टाइम साधन नहीं है, तो हम चाहते हैं आप लोगों को और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लुधियानवीस को कि वो भी अपने घरों से बाहर निकल कर लोगों की सहायता करें, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है हमारे। सबसे पहले लोगों को मैं ये बेनती करना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है कोरोना की, ये परमात्मा ही हटा सकता है। आप सुबह 24 घंटे दिन रात उस भगवान के आगे अरदास करो कि ये बीमारी को ख़त्म करे और अपने अपने घरों में रहकर ये बीमारी से लड़े। और जो ये बीमारी है ये घर में रहकर और से अपनी सेफ साइड सैनिटाइजर हाथों को करते रहें, बार बार हाथ धोएं और परमात्मा की अरदास करें कि सबका भला करें। बाकी अगर जिसने भगवान ने बीमारी अगर भेजी भी है तो भगवान ही हटा सकता है और भूखा किसी को रहने नहीं देगा। ये ना टेंशन लो, जमा ना करो। लोग मैडम क्या कर रहे हैं, खाना लेके जमा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, कई क्या कर रहे हैं, सूखा बना हुआ राशन ज़रूरत भी नहीं है पकड़ लेंगे, देखेंगे क्या है और वो फेंकेंगे। मैं उन लोगों को बेनती करता हूँ कि जिसको ज़रूरत है वही ये बना हुआ लंगर का जो खाना आता है, लंगर ही है सभी जगह का, वो खाना लें, जिसको ज़रूरत नहीं है वो ना लें। बाकी कोई भूखा नहीं रहेगा, भगवान ने हर एक को खाना तो देना ही है। इंसान तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये सब कुछ भगवान खुद करवा रहा है और करवाता रहेगा। थैंक यू सर अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ एक सोशल वर्कर हरदीप सिंह मुंडिया जी, जिनकी तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है इस क्रूशियल टाइम पीरियड को लेकर कि हमारे इंडिया में जैसे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, तो उनकी तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से घर घर में सूखा राशन तो पहुँचाया जा रहा है, साथ ही साथ खाना भी बन के पहुँचाया जा रहा है 2 टाइम का, सुबह भी और रात को भी। तो फुली बहुत अच्छा लगा होगा आपको उनका मैसेज सुनकर, और उन्होंने यह भी अपील की लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो टाइम है इसको संभाल लें ताकि ये बीमारी जो कोरोना वायरस की फैली हुई है ये जल्द से जल्द दूर हो सके। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब TV।